एक बार वैज्ञानिकों ने शारीरिक बदलाव की क्षमता के लिए जांच के लिए शोध किया। शोध में एक मेढक लिया गया और उसे एक कांच की जार में डाल दिया गया। फिर जार में पानी भरकर उसे गर्म किया जाने लगा। जार में ढक्कन नहीं लगाया गया था ताकि जब पानी का गर्म तापमान मेढक की सहन शक्ति से बाहर हो जाए तो वो कूद कर बाहर आ सके। प्रारंभ में मेढक शांति से पानी में बैठा रहा। जैसे पानी का तापमान बढ़ना प्रारंभ हुआ, मेढक में कुछ हलचल सी हुई। उसे समझ में तो आ गया कि जिस पानी में बैठा है वो हल्का गर्म सा लग रहा है, लेकिन कूद कर बाहर निकलने के स्थान पर वो अपने शरीर की ऊर्जा बढ़े हुए तापमान से तालमेल में बैठाने में लगाने लगा। पानी थोड़ा और गर्म हुआ। मेढक को पहले से अधिक बेचैनी महसूस हुई, लेकिन वो बेचैनी उसकी सहन शक्ति से सीमा के भीतर ही थी, इसीलिए वो पानी से बाहर नहीं कूदा बल्कि अपने शरीर की ऊर्जा उस गर्म पानी में तालमेल बैठाने में लगाने लगा। धीरे धीरे पानी और ज़्यादा गर्म होता गया और मेढक अपने शरीर की अधिक ऊर्जा पानी के बढ़े हुए तापमान से तालमेल बैठाने में लगाने लगा। जब पानी उबलने लगा तो मेढक की जान पर बन आई। अब उसकी सहन शक्ति जवाब दे चुकी। उसने जार से बाहर कूदने के लिए अपनी शरीर की शक्ति बटोरी, लेकिन वो पहले से शरीर की समस्त ऊर्जा धीरे धीरे उबलते पानी से तालमेल बैठाने में लगा चुका था। अब उसके शरीर में जार से बाहर कूदने की ऊर्जा सुस्त नहीं थी। वो जार से बाहर कूदने में नाकाम रहा और इसी जार में उसका मौत हो गई। यदि समय रहते उसने अपने शरीर की ऊर्जा प्रयोग जार से बाहर कूदने के किया होता तो वो जीवित होता। तो दोस्तों, हमारे जीवन में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। अक्सर परिस्थितियां विपरीत होने पर हम उसे सुधारने या उससे बाहर निकलने के प्रयास ना कर उसे तालमेल में बैठने में लग जाते हैं। हमारी आँख अब खुलती है जब परिस्थितियाँ बेकाबू हो जाती हैं और हम पछताते रह जाते हैं। समय रहते हमने कोई प्रयास क्यों नहीं किया।